नमस्कार जनादेश के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनावी मतगणना की। अब जब सब जानते हैं कि चुनावी मतगणना में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और कल सुबह 8 बजे से हरियाणा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार मुकेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार है। आपका स्वागत है कुमार मुकेश। नमस्कार। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत के पास। डॉक्टर इंद्रजीत, आपका जनादेश में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इस बार चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत है 68% के आसपास वोटिंग प्रतिशत आया, जो बहुत कम है, 19 साल में सबसे कम है, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस चीज को लेकर? 21 अक्टूबर को जो हरियाणा में चुनाव हुआ उसमें जो प्रतिशत है 68.31, ठीक है कि पहले की अपेक्षा ये थोड़ा सा कम रहा। क्या कारण रहे, अनेक कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे सब जानते हैं कि आज 5 बूथों पर फिर से वोटिंग हो रही है, ऐसा डिसीजन इलेक्शन कमीशन को क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण थे? 5 बूथों पर जो रिकाउंटिंग हो रही है, उचाना के अंदर बूथ नंबर 71 पर यहाँ पर एक महिला देखी गई 3-4 पुरुषों को, यानी कि परचंज को वोट डलवाते हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपोल हुआ और यहाँ पर अनऑथराइज मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए, वीडियोग्राफी बनाने के लिए, तो यहाँ पर FIR दर्ज की गई। इसी प्रकार से जो प्रिथला है बूथ नंबर 113, यहाँ पर एक व्हाट्सएप वीडियो रिसीव हुई थी जहाँ पर एक ओल्ड कपल दिखाई दिया और उनके साथ एक यंग लड़का, तो जिसकी वजह से डाउट हुआ और यहाँ पर भी ये दोबारा से रिपोल होने जा रहा है। इसी प्रकार से भेरिया में बूथ नंबर 161 पर एक वीडियो क्लिप के माध्यम से ये पता चला कि एक व्यक्ति बार बार उठ के जा रहा है और करीब 20 लोगों का उसने वोट डलवाया, तो जिसकी वजह से आयोग ने संज्ञान लिया और यहाँ पर पुनर्मतदान हो रहा है। इसी प्रकार से कोसली बूथ नंबर 18 पर वेबकास्टिंग के जरिए हमने देखा कि एक व्यक्ति बार बार उठ कर के कुछ वोटर्स के साथ कंपार्टमेंट में जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रिपोल हुआ। इसी प्रकार से नारनौल में बूथ नंबर 28 पर VVPAT टूटने की वजह से जो गिरा दिया गया था, ठीक है कि बाद में वो रख भी दिया गया, लेकिन कमीशन ने इसको गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर रिपोल। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए आज हरियाणा के अंदर उचाना बूथ नंबर 71, प्रिथला बूथ नंबर 113, बेरी बूथ नंबर 161, कोसली बूथ नंबर 18, नारनौल बूथ नंबर 28 पर रिपोल हो रहा है। डॉक्टर इंद्रजीत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहतक और बादली जैसे जगहों पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने कुछ हंगामा मचाया EVM को लेकर, आप उस पर क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? अभी जो आगे आपने प्रश्न किया कि बादली और रोहतक, देखिए यहाँ पर झज्जर के अंदर वहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग रूम बने हुए हैं नेहरू कॉलेज के अंदर, यहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं DIO उसका इंचार्ज बनाया हुआ था। जब वो चेकिंग के लिए आए CCTV कैमरा जो फर्म थी, तो उनके ऊपर क्योंकि जो कैंडिडेट थे वहाँ पर उनको डाउट हुआ, जिसकी वजह से जब डाउट हुआ और कुछ कहा सुनी हुई तो वहाँ पर हरियाणा पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी आ गया, जबकि वहाँ पर जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर BSF तैनात है। और जब बात हुई कि ये अनऑथराइज्ड हैं तो उसी समय DC, SP, ऑब्जर्वर सब पहुँच गए, इधर से JJP कैंडिडेट। तो उसके बाद जब पूरी की पूरी उनको वहाँ पर जो CCTV कैमरा है वहाँ कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज ने टेक्निकल बंदों को बुलाया, वो सारी चेक की और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई थे और शील इत्यादि पूरी तरह से इंटेक्ट थी। क्या EVM को लेकर सुरक्षा चौकबंद कर दी गई है, क्या आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए जो EVM है स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी सिक्योरिटी टाइट है वहाँ पर, और CCTV कैम वीडियोग्राफी की जा रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर तैनात हैं और पूरी तरह से
सुरक्षा व्यवस्था के बीच में है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मतगणना कब से शुरू होगी कल, और क्या हमें पहला परिणाम कब तक मिल जाएगा? कल जो मतगणना है सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध किए गए हैं, 3-टायर सिस्टम को अपनाया गया है। आउटर साइड बाहर की तरफ हरियाणा पुलिस के जवान होंगे। जो प्रिंसिज का गेट है, भवन है, स्थल है, वहाँ पर जो हरियाणा स्टेट आर्म फोर्सेज है उसके जवान तैनात होंगे, और इनर साइड अंदर की तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके जवान तैनात होंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर इंद्रजीत। तो जैसे डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कुमार मुकेश जी कि ये चुनाव को लेकर ईवीएम में कोई गड़बड़ी की कोई समस्या नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज शोर मचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कर रही है जब मतगणना एक जब उसमें 24 घंटे भी नहीं रह गए? देखिए कि ये चीज़ें वैसे तो चुनाव से पहले होनी चाहिए, मतदान से पहले, कि आप उसी के लिए संघर्ष करें, वही डिमांड करें। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो भी चलो जाँच का विषय है, बीच में और भी पहले भी सवाल उठे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वी वी पैट मशीन को ऐड किया गया, अब उस पर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि बीच में क्यों ऐड किया, लास्ट में क्यों नहीं ऐड कर रहे। तो लेकिन एक और है जो मैं मानता हूँ कि हर बूथ पे हर असेंबली सेगमेंट पे 5-5 बूथों की वी वी पैट और ई वी एम दोनों की रीचेकिंग होगी, क्रॉस चेक होगी कि क्या वास्तव में दोनों सही है। तो उससे भी रैंडमली अगर मान लो वो 5 बूथ रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इससे तो रिजल्ट भी लेट आ सकते हैं? नहीं, ये चीज़ें तो पहले भी हुई थी, मतलब पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसे हर असेंबली में 5 बूथ की वीवीपैट मशीनों की चेकिंग हुई थी। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें कोई, देखो अपनी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखने के लिए थोड़ा टाइम भी लग जाए, कोई बात नहीं, पहले तो बहुत टाइम लगता था। तो जब बैलेट पेपर पे जब होता था चुनाव, आपने तो कवर किए इतने सालों में, जब बैलेट पेपर में होता तो कितना समय लगता था? सर अगले अगले दिन हो जाते थे, पूरी रात और अगला दिन भी आ जाता था कई बार। तो जैसे अभी भी पिछले लोकसभा चुनाव में देखें रोहतक वाला, तो ईवीएम के अंदर ही रात को, मतलब अगले दिन सुबह 3-4 बजे इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा है। तो चलो ये तो अलग रेयर था, तो अभी देखो बैलेट पेपर के दौरान तो रूटीन में था ये। कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है इलेक्शन कमीशन के लिए ये सब कंडक्ट कराना? देखो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कंधों पे अपने लोकतंत्र की जो अभर संविधान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। हमें लोकतंत्र में सबसे बड़ी है सरकार कैसे गठित हो और वो लोकतांत्रिक तरीके से गठित हो, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंधे पे है। तो बहुत, मैं कहता हूँ कि सारी अपनी जो मशीनरी एक तरफ और इलेक्शन कमीशन हो, आज देखो ना कि जितने भी डीसी है, एसपी है, कोई भी जो भी इम्प्लॉय है वो आज गवर्नमेंट का इम्प्लॉय नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इम्प्लॉय है वो। तो इससे जुड़ा एक सवाल है आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन के अपने तो बहुत एम्प्लॉयज नहीं है लेकिन वो स्टेट मशीनरीज यूज करते हैं, जैसे आपने बोला डीसी को यूज करते हैं या एसपी के साथ में रहते हैं, तो ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है? क्योंकि एक महीने से ऊपर चलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और लगातार इस पे चलता रहता है नॉमिनेशन से लेकर, तो ये आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती है? नहीं, वैसे तो ये रूटीन में चलता, जब इलेक्शन नहीं होते तभी भी ये एक्सरसाइज चलती रहती है। बीच बीच में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इनसे पूरे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग करते हैं, जैसे हर साल वोट बनते हैं, और उसके अलावा एक्सरसाइज चलती रहती है। लेकिन चुनाव जब नज़दीक आता है तो वो चुनाव आदर्श आचार संहिता से पहले ही ये आपस में कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है, और आदर्श संहिता लगने के बाद तो क्लियरली मतलब वो इम्प्लॉई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हो जाते हैं, उसके बाद सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई होल्ड नहीं रहता इतना, मतलब ज़्यादा जो सरकार ही चलाएगी उनको सरकार के ऑर्डर मानेंगे, लेकिन वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर माने जाते हैं। तो नेताओं की बात करें तो नेताओं के लिए कितने मुश्किल पल होंगे अब जब कुछ ही घंटे रह गए हैं, और जो चुनाव जिसकी कहते हैं साक दाव पे लगी है, कल सुबह पता चल जाएगा जब ईवीएम खुलेंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो नेताओं के लिए ये रात कितनी मुश्किल रहेगी? बहुत मुश्किल रात है सर, जैसे हमने, आपने भी पेपर दिए हैं, मैंने भी पेपर दिए हैं, परीक्षाएं देते हैं हम, तो परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आता है अगले दिन तब हमें भी रात को नींद नहीं आती। तो मेरे हिसाब से तो ये उनके करियर की परीक्षा है सर, कि आगे के 5 साल, आगे की ज़िंदगी भी डिसाइड करेगी किसी नेता की
कि वो आगे पास होगा फेल होगा, पास होगा तो फिर उसका करियर कितना ऊपर जाएगा, काफ़ी मेरे को नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल से नींद आती है नेताओं को। तो आज हमने कभी कई अखबारों में भी देखा कि काफ़ी बड़े नेता मंत्री भी हैं सरकार में, वो भी गए अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय बिताया, क्योंकि एक महीने से तो कैंपेनिंग में सब लगे हुए थे। तो ये दो तीन दिन जो इलेक्शन खत्म होने के बाद और रिजल्ट आने तक ये कैसे बिताते हैं नेता ये सब? ये मैं वैसे ही जैसे पहले आपसे जिक्र किया ना, परीक्षाओं के दौरान हम जब हमारा लास्ट पेपर होता है उसके बाद हम सोचते हैं, हम मस्ती करते हैं, जो हमारा दिल किया चलो टीवी देख लिया, फिल्म देख लिया, तो ये वैसे ही मान लो। लेकिन हालांकि मैंने कुछ नेता देखे जो अभी भी फील्ड में थे, अभी भी लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि बीच में ओलावृष्टि हुई तो किसानों से ही मिले कुछ नेता, कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं, कुछ धार्मिक स्थलों पर जाके नमन कर रहे हैं कि अब VVPAT जो मशीनों में कैद हो चुका उसको ही बदल दो भगवान, तो मतलब हर तरीके से हो रहा जो कुछ भी हो रहा है। तो लेकिन ये सिर्फ नेताओं के लिए वो क्या कहते हैं मुश्किल रात होती है कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी? नहीं होता तो देखो पूरे नेता के पीछे पूरा परिवार है, नेता की जीत के पीछे पूरा परिवार इफेक्ट करता है, हार के पीछे पूरा परिवार इफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादा तो नेता को होगी लेकिन परिवार को भी उतना ही वैसे होगा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा कभी इतने सालों में आपने कर किया, कुछ अगर कुछ हमारे से शेयर कर सके कुछ ऐसी बात कि नेताओं के साथ आपने इलेक्शन देखे इतने रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के बाद के नेताओं को कि नॉर्मल देखा या फिर नेताओं को परेशान होते हुए भी देखा कि रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं गया, मैं चाह रहा था ये सोच रहा था? जो मैंने देखा ना कि जैसे दो चीज़ें देखी मैंने जी, कुछ नेताओं को पता है कि पहले से ही कि मैं हार रहा हूँ लेकिन वो साइकोलॉजिकली शो नहीं होने देते। जैसे मान लो हम बात नाम नहीं लूँगा पार्टी का, सबको पता है एक पार्टी की हालत ख़राब है लेकिन उसके नेताओं के भाषण सुनोगे ना आप तो लगेगा कि सरकार वो बना रहे हैं। हो या ऐसा रहा है कि उसकी दो तीन सीटें भी ना आए, सबको पता, उनको ही पता है। कई बार क्या होता है कि जो नेता के साथ जो लोग होते हैं ना वो उनको इतना ज़्यादा बोलते हैं कि वो जो उनको सच्चाई से दूर रखते हैं, क्योंकि नेता फीडबैक कहाँ से लेगा, वो अपने साथ जो उनके वर्कर है उन्हीं से फीडबैक लेगा, और वर्कर बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको सच्चाई बोलने की हिम्मत भी हो, आदत हो, किसी की आदत नहीं होती, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कॉन्फिडेंस में रहते हैं। मैंने देखे हैं काफ़ी लोग ऐसे जो इलेक्शन जीत रहे हैं, अपनी थोड़ी सी भूल सिर्फ इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस की वजह से वो इलेक्शन लूज भी कर गए हैं। कई ऐसे हैं मैंने अभी देखा, कोई बता रहा था कि नेताजी को मैंने बोला कि आप तो 30-35 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, तो नेताजी गुस्सा हो गए, कहाँ यार 60 हज़ार से वोट जीत रहा हूँ मैं। तो आप सोच के देखो कि इतना कुछ विधानसभा चुनावों में 60-60 हज़ार की जीत कोई मायने नहीं रख, मतलब बड़ी मुश्किल से होती है। कितनी 90 हज़ार वोटिंग हुई है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होती कि विधानसभा चुनाव में, तो वहाँ 60-60 हज़ार से कहाँ जीत होगी। तो नेता भी क्या सुबह से टीवी खोल के बैठ जाते हैं और टीवी पे देखते रहते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ नेताओं को जैसे हमने पढ़ा है वो बोलते हैं कि हम देखते ही नहीं, वो बोलते हैं कि रिजल्ट आने के बाद शाम को पता चल जाएगा? ना, जितने भी नेता हैं वो काउंटिंग हॉल में बैठे नजर आएंगे सर, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। हालांकि वो अपनी नज़र रखते हैं अपने वर्कर के जरिए दूसरे सेगमेंट के लिए, लेकिन अपनी सीट पे वो सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है तो 7:45 बजे 7:30 बजे पहुंच जाएंगे वो, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ये सब कुछ देखते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत कम नेता हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, स्क्रीन के आगे बैठेंगे, उनका अपना एक कंट्रोल रूम भी होता है, वो पूरे सब जगह से रिपोर्ट लेंगे, करते हैं ऐसे। तो इतने एक्साइटिंग इलेक्शन के लिए मैं तो सुबह से बैठ जाऊंगा टीवी के आगे, आप भी मुझे लगता है कि पत्रकार हैं आप तो खुद फील्ड में रहेंगे साथ में देखेंगे, बिल्कुल जाना पड़ेगा। देखते हैं कि कल क्या रिजल्ट आता है और कल कौन जीतता है कौन हारता है उसका फैसला तो हो जाएगा और उसको भी देखेंगे हम जनादेश कल शाम को। धन्यवाद।